और आई लव उखाड़ा मैच की तरफ से। तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जगह बहुत ही फेमस है उखाड़ा में, यानी उखाड़ा का दिल है ये पार्क। सबसे ज़्यादा शहर के जो लोग हैं इस पार्क में आते हैं। इस पार्क का पुराना नाम है कंपनी बाग और नया नाम रखा गया है सफदर शहीद पार्क, मगर कंपनी पार्क के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। आज हम आपको इसका विज़िट करवाएंगे और अंदर से दिखाएंगे कि ये पार्क कैसा लगता है। पार्क के जब हम एंटर होते हैं पार्क में, तो सामने बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और दो रास्ते निकल रहे हैं। पार्क जो सा है ये देखें, मैं पार्क का ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ये पार्क में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो बड़े खूबसूरत हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। ख़ास तौर पे कंपनी पार्क जो सा है उखाड़ा का बहुत ही फेमस पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और पार्क को बड़ा खूबसूरत सजाया गया है। इस पार्क में एक फुटपाथ बना हुआ है, पूरे पार्क का विज़िट करने के लिए फुटपाथ है जिसके ऊपर लोग चलते हैं और विज़िट करते हैं। अक्सर लोग शाम को यहाँ पर आते हैं और सुबह को भी आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए कुछ आते हैं और शाम को यहाँ लोग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग आके बैठते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं और कुछ टाइम पास करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। पार्क के दरमियान में यहाँ जो पार्क का यानी कि जो मेन मरकज़ बनता है, ये एक फाउंटेन बना हुआ है, इस पर फुहारा है। ये फुहारा यहाँ चलता है, रात के टाइम भी चलाते हैं और कभी कभी जब किसी मेहमान ने आना होता है तो ये फुहारा चला दिया जाता है। तो ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये फुहारे का आप दिखा रहे हैं ज़िला उखाड़ा में कंपनी पार्क का, ये जो फुहारा है ये ट्राई एंगल बना हुआ है। देखें इसके तीन कॉर्नर्स बनते हैं, तीन कॉर्नर से ये नज़र आता है और ये बहुत खूबसूरत है। ये इस पार्क में फुटपाथ जो है वो चलता रहता है, फुटपाथ से गुजरते गुजरते हम पूरे पार्क की सैर कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे जैसे हमारी नज़र पड़ती है तो ये देखें ये कितना प्यारा मॉडल बनाया गया है, एक हाथी की शक्ल बनाई गई है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग बनाई गई है, साथ साथ इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है जो हमें नज़र आ रहा है। ये देखें साथ साथ जहाँ जहाँ जाते हैं ये मछली का मॉडल बना हुआ है, ये भी एक फ़िश का मॉडल बना हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर ये देखें ये बर्तन लगाए गए हैं। ये एक फवारा जो सा है ये ज़रूफ़ की शक्ल में है। ये ज़रूफ़ बने हुए हैं। पार्क में बड़े खूबसूरत दरख्त हैं, ये देखें दरख्तों की शेप बहुत प्यारी है। पार्क के कॉर्नर पे यहाँ बच्चों के लिए स्लाइड है, यहाँ बच्चे आके एंजॉय करते हैं। कंपनी पार्क का एक गेट जो सा है ये गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज जो सा है उसके यानी उसकी दीवार के सामने है, यानी ये उसकी बैक साइड बन रही है। पार्क की मेन जो एंट्रेंस है उससे ये बैक साइड का दरवाज़ा, इधर से भी स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ आके स्टडी करते हैं। ये पार्क को बड़े खूबसूरत प्लांट्स से सजाया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और प्लांट्स और डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये एक हॉर्स है, यहाँ पे इसका मॉडल बना हुआ है जिसपे बच्चे आगे इंजॉय करते हैं। ये कुछ मॉडल्स लगाए गए हैं यहाँ पे जहाँ आके बच्चे इंजॉय करते हैं। कंपनी पार्क का वीडियो विज़िट हम कर रहे हैं, कंपनी पार्क की ये खूबसूरती आप देखें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके एंजॉय भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं। पार्क के अंदर कुछ बहुत घने दरख्त लगे हुए हैं जिसमें गर्मियों में भी लोग यहाँ पे आते हैं और दरख्तों के नीचे बैठते हैं और यहाँ ठंडक महसूस होती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यारी कटाई की गई है और फूल लगाए गए हैं बहुत प्यारे। रोड के साथ साथ बड़े प्यारे
यहाँ दरख्त लगाए गए हैं, उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी की गई है और ये फूल बहुत प्यारे हैं, दरख्त भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है जो इस पार्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके अलावा यहाँ नए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। TMA वाले यहाँ ख़ास ध्यान रखते हैं और इस पार्क को खूबसूरत बनाने में उनका पूरा पूरा किरदार है। और बड़े बड़े ये देखें, बड़े कॉस्टली यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं इस पार्क की खूबसूरती के लिए, बैठने के लिए बनाया गया है। ये पार्क का ओवरऑल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ फूलों के, ये घास के ज़रिए बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है यहाँ पर। ये यहाँ पर दरख्तों को भी पेंट किया गया है, इनके नंबर दिए गए हैं। बहुत घने दरख्त लगाए गए हैं जो इस पार्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पार्क के अंदर जो से लॉन छोटे छोटे बने हैं उनके अंदर भी ये यहाँ पे ये देखें कितने खूबसूरत किस्म के ये छोटे छोटे गोल गोलदारे बना के उनमें फूल लगाए गए हैं और मुख्तलिफ अकसाम के यहाँ पे फूल हैं, पौधे हैं। ये देखें कितने प्यारे फूल लगाए गए हैं यहाँ पे, कलरफुल जो इस पार्क की कलेक्शन है। कुछ लोग यहाँ नमाज अदा करने आते हैं, तो आज जुमे का दिन था तो यहाँ जुमा पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं। पार्क में बड़ा खूबसूरत घास है जहाँ बैठें, और देखें यह सफाई का कितना प्यारा निज़ाम है। आपको पार्क में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही, ऐसा लगता है जैसे सारा पार्क बिल्कुल धुला हुआ है, साफ़ सुथरा है। ये उकाड़ा का कंपनी बाग का हम आपको वीडियो विज़िट दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ मोबाइल किस्म के ट्यूशन सेंटर भी हैं, कुछ टीचर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये देखें बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ, और अभी उनके टीचर जो उनसे हैं वो जुमा पढ़ने गए हैं इसलिए वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टीला बनाया गया है कॉर्नर पर इसके, जिसके ऊपर चले जाते हैं बच्चे और ऊपर से एंजॉय करते हैं, कोई नीचे देखते हैं तो बड़ा ये नीचे से ओवरऑल व्यू आता है। जी नाज़रीन, अभी मैं उस वो छोटे से टीले के ऊपर हूँ और मैं आपको पार्क का ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमारा कंपनी पार्क ऊपर से दूर दूर तक नज़र जा रही है आप देखें, और इसकी बैक पर अगर हम देखें तो ये सामने बॉयज़ कॉलेज की दीवार नज़र आ रही है आप जी। गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि बिल्कुल साथ है तो गवर्नमेंट कॉलेज के मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, जो आके स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे आके यानी कि स्टडी के लिए भी सबसे बेहतरीन जगह है ख़ास तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, अगर इंतज़ामिया भी मेरी ये वीडियो देखे तो वो भी उसने भी उनको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर झूले लगे हुए थे जब से राइड एंड टाइड्स और जॉयलैंड शुरू हुआ है, यहाँ से झूले उतरवाने की कोशिश की गई। मुझे यही बताया गया था कि ये झूले किसी प्लानिंग के तहत उतरवाए गए हैं क्योंकि झूले यहाँ पे लोग लेते थे, और अब यहाँ झूले नहीं हैं। और जिन पार्क्स में झूले लगे हुए हैं उनका टिकट है, यानी यहाँ पे एक फ्री एंट्री है क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्क है, मगर यहाँ पे झूले नहीं हैं। मैं इंतज़ामिया से कहूँगा कि प्लीज़, DCO साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पार्क में, ये गवर्नमेंट का पार्क है, यहाँ झूलों को वापस लाया जाए, किसी को कॉन्टैक्ट दिया जाए ताकि यहाँ झूले लग सके और यहाँ से वीरानी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे उन झूलों की वजह से बहुत रौनक होती थी, ये वो एरिया है कि जहाँ पे झूले लगे होते थे, मगर अब यहाँ झूले नहीं नज़र आ रहे। तो कि कूड़ा फेंकने के लिए ये छोटे छोटे मॉडल टाइप हैं, ये देखें ये हाथी का फेस बना हुआ है, तो इसमें कूड़ा फेंकने की सहूलत है। अगर कोई चीज़ यहाँ खाता पीता तो उसको चाहिए कि कूड़ा यहाँ पर फेंके, और ये हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप कुछ चीज़ खाते हैं तो प्लीज़, ये पार्क हमारे शहर का पार्क है, इसको खूबसूरत रखना हमारा फ़र्ज़ है, तो कूड़ा आप इन में फेंकिए ताकि पार्क को खूबसूरत रखा जा सके। जी नाज़रीन, हम आपको कंपनी बाग का विज़िट करवा रहे हैं जो कि ज़िला उकाड़ा का सबसे ज़्यादा फेमस पार्क है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंजॉय करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम सदफ इमरान है जी। इमरान साहब आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं हबीबाबाद से लाया। हबीबाबाद ज़िला उकाड़ा का हिस्सा है जी? नहीं, ज़िला कसूर का हिस्सा है। अच्छा, ज़िला कसूर का हिस्सा। यहाँ कैसे आना होगा? जी मैं यहाँ पे यूनी में आता हूँ एजुकेशन के लिए, तो इसलिए मैं उकाड़ा में आता हूँ। तो यूनी से पढ़ने के बाद यहाँ आ जाते हैं? जी फ्री टाइम होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा माहौल है, स्टडी वगैरह इधर बैठ के ईजिली हो जाती है जी। तो बाकी फ्रेंड्स भी आते हैं तो उनके साथ आ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? वकास। अच्छा वकास भाई, आपका कैसे आना हुआ इस पार्क में? मैं वैसे रनिंग के लिए आता हूँ या एक्सरसाइज वगैरह के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। अच्छा, कैसा माहौल लगता है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा। तो ये पार्क अच्छी बात है उकाड़ा में जी?
बहुत। अच्छा मुझे ये बात बताएं जी नाज़रीन, हम विजिटर्स से मिल रहे हैं कंपनी बाग के, कि जो जो लोग यहाँ पे आते हैं, हम चाहते हैं कि आप, मैं चाहता हूँ कि उनका इंटरव्यू आप तक पहुँचाऊँ कि वो क्या कहते हैं और क्या फील करते हैं इस पार्क के बारे में। इस वक्त कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है स्टडी करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली साहब, किस क्लास के हैं? मैं 10th क्लास का। अच्छा, किस स्कूल से? गवर्नमेंट MC हाई स्कूल उकाड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट MC हाई स्कूल उकाड़ा से, ठीक है। तो यहाँ स्टडी के लिए आए हैं जी आप? जी हम फ्री टाइम था, हमने कहा कि स्टडी करके बाद में अकेडमी जाएंगे। अच्छा, तो रोज़ आते हैं आप यहाँ पढ़ने के लिए? आते हैं जी। भाई आपका क्या नाम? मोहम्मद शहीद मेरा नाम है। जी आप भी 10th क्लास से? जी 10th क्लास से। तो पार्क में स्टडी करने आते हैं? थोड़ा। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुमान। ऊँचा बोलो सर। मोहम्मद सुमान है मेरा नाम। और इधर हम जब स्टडी करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और हमें जहाज भी जल्दी हो जाता है, तो पुरसकून माहौल है, इसलिए अच्छा याद होता है, जल्दी याद होते हैं। पार्क की सफाई वगैरह से आप मुतमिन? सही इंतजाम है यहाँ पे? अच्छा इंतजाम है जी। नाज़रीन, आज मैंने आपको उकाड़ा के कंपनी बाग का विज़िट करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी किसी और नई जगह पे, कहीं ना कहीं और विज़िट करने चलेंगे और आपको उकाड़ा की सारी खूबसूरती जो सी जहाँ जहाँ भी अच्छी प्लेसेस हैं मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ City442 और आई लव उकाड़ा पेज के ज़रिए। मेरी वीडियोज़ को देखिए पूरी दुनिया में, और मेरे इस पेज को और इस लिंक को शेयर भी कीजिए। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।